श्री वाहिगुरु साहिब जी भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ये आए सफल तिना के काम मेरे राम हर जन कै हो बल जाई केसा का कर चवर टलामा चरण तूड़ मुकलाई जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे 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 जन पर उपकारी तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी पर उपकारी आए 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 पर उपकारी पर उपकारी आए पर उपकारी उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी आए बाबा पर उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी पर उपकारी आए पर उपकारी उपकारी आए पर उपकारी पर उपकारी आए पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी आए पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी पर उपकारी आए तेरे जन पर उपकारी जन्म मरण दूहू मैं नहीं जन पर उपकारी आए दान दे भक्ति लायण हर चो लैण मिलाए सची पातशाही सच्चे से तेरा ते सच्चा सुख सच्ची वटियाई
जिसके से तन जाते पखा फेरा पानी टोहर जानक पीसन पीस कमावा नानक की प्रभ पास बिनती तेरे जान देखन पावा। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी आप सारे माई पाई वड्डे भागां वाले हो जिन्हां नूं इस कलयुग दे भयानक समें दे विच जुगो जुग अटल चवर तख्तां दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद दे विच बैठन दा सुभाग समा प्राप्त होया। सतगुरां ने कृपा कीती है जो गुरमुख परिवार ने परसों रोज तो तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जिया दे अखंड जाप प्रारंभ करवाए सन आद तो मध मध तो संपूर्ण अज सवेरे भोग पाए गए उपरंत आप संगतां ने जो अज दे भोग पाए गए भोगां दे समय मुख वाक आए उन्हां दी आप जीआं ने कथा विचार सरवण किते उपरंत कविशरी जथे तो गुर इतिहास सरवण किता और महापुरखां दे जथे तो आप संगतां सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जीआं दा इतिहास सरवण कर रहे सी। जिमें आप संगतां ने सरवण किया है कि किमें श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिया दे नाल उन्हां दे वड्डे प्राता पिरथी चंद ने ईरखा कीती किमें उन्हां ने सोचिया कि अर्जन देव दे कोई औलाद नहीं होवेगी पर यह सतगुरु महाराज दे हथ है वह वडियाइयां अपने सेवकां नूं आप दिंदे हन किवें सतगुरां ने अपने गुरसिखां नूं बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं वडियाइयां दित्तियां वडियाइयां दे के आपने सरवण किया जिवें नगर वडाली दे विच जो गुरविलास पातशाही छेवीं दे अनुसार साध संगत जी नगर वडाली दे विच हाड़वदी एकम 1652 संमत नूं 12 जून 1595 ईस्वी ऐतवार वाले दिन और पूर्णमाशी की रात जिस तरह अज आप संगतां सारे रल मिल के पूर्णमाशी का दिहाड़ा मना रहे हैं जो आन वाली रात है 12 बजे तो बाद सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश होया इस करके साध संगत जी जो सतगुरां दा अवतार दिहाड़ा कल नूं है अज पूर्णमाशी दा दिहाड़ा अते भगत कबीर जीआं दा प्रकाश दिहाड़ा पर महापुरखां वल्लों अज ही दोनों दिहाड़ियां नूं समर्पित इह समागम रखे गए ने। किवें नगर विडाली दे विच जदों सतगुरां दा अवतार होया जिथे पिरथी चंद सतगुरु अर्जन देव महाराज जीआं दे नाल ईरखा करदे उसे तरह जदों साहिबजादे का हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश होया उस तो बाद होर ज्यादे ईरखा करन लग पिया। ईरखा दे विच वो सब कुछ भुल गया हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं मारन दियां व्यूतां बनाउंदा रहा। जदों पहला दाई नूं भेजिया फिर उसने सपेरे नूं भेजिया कि सप छड़ के तू हरगोबिंद साहिबजादे नूं डंग मरवा के मार दे पर ओ परमेश्वर दे भाणे दे विच हरगोबिंद साहिब महाराज जी आप भगवान स्वरूप आए सन उन्हां नूं कौन मार सकदा सी। जदों ये सारा असफल हो गया फिर उसने जो एक ब्राह्मण सतगुरां नूं खड़ाउंदा सी उस नूं बुला के उस नूं लालच दिता वो ब्राह्मण लालच दे वस हो के उसने हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं
मारन की व्यूंत बना ली। जदों वो दूसरे दिन सतगुरां दे कोल गया, हरगोबिंद साहब जी नूं खड़ाउण लगा ते उसने दासी नूं कहा कि मिठा दही लिया दो, मैं साहबजादे नूं खवा दिया। वो मिठा दही लैके कोठे दे उत्ते चला गया। कोठे दे जाके जदों हरगोबिंद साहब जी नूं उन्हां दे मुख दे विच दही पाउण लगा तां साहबजादे ने अपना मुख दूसरे पासे कर लिया। उसने फिर धक्के दे नाल हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं दही खवाउण दी कोशिश की, पर जिवें साध संगत जी हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पहलां दाई नूं मारिया फिर सप नूं मारिया, भावें वो इस नूं भी मार दिंदे समर्थ सन पर इस संसार की लाज नूं रखदे भी ये ब्राह्मण है, इस करके उसनों मारिया नहीं। दुनियावी तौर पर हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उची उची रोना शुरू कर दिता। जदों वो रोण की आवाज माता जी दे माता गंगा जी दे कन्नी पई तो माता जी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल जाके कहन लगे कि महाराज साहबजादे की बहुत उची रोण की आवाज आ रही है जो सानू व्याकुल कर रही है, पता करो की होया। तां सतगुरां ने अपने सिख नूं कोठे दे उत्ते भेजिया कि जाओ देखो साहबजादे की आवाज़ कोठे तो आ रही है, की होया। जदों साध संगत जी सिख कोठे ते गया उसने देखिया कि ब्राह्मण धक्काशाही दे नाल हरगोबिंद साहब के दोनों हाथ पकड़ के दही खवाण की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने जदों पुछया कि सतगुरां ने पुछया भी की गल साहबजादा क्यों रो रहा है, तो वह ब्राह्मण कहता भी मैं अगे भी दही खवाना इन्हों हूँ ये खा नहीं रहे, क्यों खा वो ता नहीं रहे सी, सतगुरु अंतरजामी सब जानते सी कि उस दही दे विच जो पिरथी चंद ने जहर दिता सी कि वो जहर दे के हरगोबिंद साहबजादे नूं मार दे, उहदे विच वो दही मिलाए दही दे विच जहर मिलाई हुई सी, इस करके साहबजादे ने वह दही नहीं छकिया। तो जदों सतगुरां दे कोल साहबजादे नूं लै आए तो साहबजादे दीआं अखां दे विच नेत्रां दे विच जल देखिया और साहबजादे ने अपने पिता गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं इशारे दे नाल समझाया कि इस दही दे विच खोट है, इस दे विच जहर है। तो माता गंगा जी कहन लगे कि इतना क्यों रो रहा सी, दही साढ़े सामने खवाना करो। तो वह ब्राह्मण बड़ा खुश होया कि हुण तां जो मारन दी व्यूंत सी हुण मेरे उत्ते कोई इल्जाम भी नहीं आवेगा, क्योंकि सतगुरां दे सामने दही खवावांगा ये मर जाणगे। पर जदों साहबजादे नूं दही खवाण लगे तां उन्हां ने अपना मुख दूसरे पासे कर लिया। फिर सतगुरु अर्जन देव महाराज जी तां सब जानते सन पर उन्होंने संगत का निश्चा कराने वास्ते साध संगत जी जो इतिहास दे विच आउंदा है कि सतगुरां दे पहरे दे उत्ते पलंग दे कोल एक पिस्ता नाम करके कुकर बैठिया करदा, उस कुकर नूं सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने इशारा करके बुलाया ते सिखां नूं कहा कि भाई इस कुकर दे बर्तन दे विच ये दही पा दवो। तां उस कुकर ने जदों वो दही सुंगणा किया उसने इशारा कर दिता कि महाराज इस दे विच खोट है, वो खा नहीं रहा सी ते मन दे अंदर सोच रहा सी कि सतगुरु जी जे मैं ये खा लिया तो मैं अवगत ही मर जावांगा, मेरी मुक्ति नहीं होवेगी। तां सतगुरां दा बचन मन के
उस कुकर ने जो वह दही छकिया थोड़ी देर दे विच जहर का असर होया ओ कुकर तड़फ तड़फ के मर गया। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने चरण उस कुकर नू चरण छो दिती ते उसनू बैकुंठ तो बेबान आए उस दी जीव आत्मा नू बैकुंठां दे विच निवास मिल गया। जदों ये सारा कौतक संगता ने देखिया ता उस बामण नू ब्राह्मण नू लानता पईआं कि की तू ऐसा साहबजादे नू जहर दे के मारन लग्या सी। ता सतगुरु जी कहण लगे कि ऐ ब्राह्मण जिस तरह साडे कुकर ने तड़फ तड़फ के अपनी जान दे दित्ती है तू भी इसे तरह तड़फ तड़फ के मरेगा। थोड़ी देर दे विच ही उसनू भी दर्द उठिया ते तड़फ तड़फ के वह भी मर गया। तो माता गंगा जी कहन लगे सतगुरु जी ये ब्राह्मणा दा मुंडा सी ब्राह्मण सी इस दे मरण दे नाल सारे पासे ये सुनेहा जावेगा कि गुरु जी ने ब्राह्मण मार दिता ते नाले दूसरी गल कि सानू ये भी नहीं पता लग्या कि इस ने जहर क्यों दिती सी साहबजादे नूं। ता सतगुरां ने अपनी कृपा दे द्वारा उस ब्राह्मण ते जल दा छिटा दे के उसनू जिउंदा कीता। जदों पुछिया भी की गल तू ये जहर साहबजादे नूं क्यों दे रहा सी ता उसने सारी वार्ता दसी कि मैनू आप दे वड्डे भराता पिरथी चंद ने बुला के लालच माया दा दिता माया दे लालच दे विच मैं आके ये पाप कर्म किता सी। तां सतगुरां ने अपने वड्डे भराता पिरथी चंद नू बुलाउणा किता बुला के उसनू सारी संगत दे विच कहा कि भराता जो भी तेरी ईरखा सी वो साढ़े नाल सी इस छोटे बच्चे ने तेरा की बिगाड़िया जो तू इसनू मारन दिया व्यंतां बना रहा है। वह पिरथी चंद साध संगत जी उत्थे शर्मिंदा होया सो ऐसा कि सतगुरां दा उस पिरथी चंद दे नाल सारी उम्र ही उसने सतगुरां दे नाल ईरखा कीती। आओ सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी सब समर्थ सन सो आओ हुण बाकी दा रहिंदा समा महापुरखां दी रचना तो अमृत बचन सरवण करके अपने जीवन और स्वासां नूं सफलियां बनाउण दी कृपालता करिए। आओ ये धारना पढ़ के फिर महापुरखां तो आनंद माणिए जी। आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरां तो बल बल जाइए। आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरां तो बल बल जाइए। आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरां तो बल बल आप मुक्त मोह तारे जी ऐसे गुरां तो बल बल जाइए। ऐसे गुरां तू बल बल जाइए। आप मुकद मोह तारे जी ऐसे गुरां तू बल बल जाइए। 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 ऐसे गुरां तू बल बल ऐसे गुरां तू बल बल जाइए। 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 ऐसे गुरां तू बल ऐसे गुरां तू बल बल जाइए। ऐसे गुरां तू बल बल जाइए। आप मुक्त मोए तारे जी ऐसे गुरां तू बल बल जाइए। ऐसे
गुरा तो बाल बाल जाइए। आप मुगत मोहे तारे जे ऐसे गुरा तो बाल बाल जाइए। आप मुगत मोहे तारे जी ऐसे गुरा तो आप मुगत मोहे तारे जी ऐसे गुरा तो बाल बाल आप मुगत मोहे तारे जी ऐसे गुरा तुम बल बल जाइए। आप मुक्त मुक्त करे संसार आने कटे जान को सदा नमस्कार। सतगुरु जी दी साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में जितने भी माई भाई वीर बुजुर्ग गुरदर्शन करने वास्ते शुभ पवित्र दिहाड़ा पूर्णमाशी का बड़ी श्रद्धा के नाल मनाने वास्ते भगत कबीर जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े मन चौह पिया पर आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। जन्म मरण दो में नहीं जन पर भगारी आए जी दान दे भक्ति लाएं हर सिंह ठहन दान की दा दिता भक्ति दा नाम दा आप जपे अबरा नाम जपा भगत कबीर जी दा जीवन जिन्हां दे 622वें जन्मदिन प्रकाश दिहाड़ी की खुशी में आज दुनिया दे विच उस भगत की जय जयकार छेवें गुरु सच्चे पातशाह मेरी पीरी दे मालिक हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी दुनिया दे विच कोई अगे मनाउंदा है कोई पिछे मनाउंदा है। कल नूं दुनिया विच मनाया जाना है अज भी बहुत संगत मना रही है। इस अस्थान ते भी उन्हां दी याद विच कीर्तन शब्द होए ने। छेह परिवार भाई बंत सिंह नगर कमाले तो हर साल की तरह गुरमुख प्यारे अखंड पाठ करवाते ने लंगर चलाते ने। सो उस अनुसार अज गुरु के लंगर अखंड पाठा के भोग उन्हां दी कमाई विचों होए ने। वाहगुरु इस परिवार को दिन दुगना ते रात चौगुनी तरक्कियां बख्श सदा ही अपनी छिते बनते रहन। होर बेअसंगत अपनी किरत कमाइया सफल कर दिया ने गुरु के लंगर गुरु की सेवा में हिस्से पाते हैं। सतगुरु जी सब का भला करे सब दे सिर ते हथ रखन। भगत कबीर जी दे प्रकाश दिन दियां धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे प्रकाश दिन दियां समूह संगतां नूं लख लख बधाई होवे बधाई होवे। ते समां जिहड़ा 1 बजे समाप्ति दा है 1:03 हो गए ने। हुण आपां सारे समाप्ति अनुसार गुरु स्तोत्र धन है धन है गुरु नानक साहेब जी धन है धन है धन है गुरु अंगद साहेब जी धन है धन है धन है गुरु अमरदास साहिब धन धन है धन है गुरु रामदास साहिब धन धन है धन है गुरु अर्जन साहेब जी धन धन है धन है गुरु श्री हरगोबिंद साहेब धन धन है धन है
गुरु श्री हर राय साहब तन धन है जय धन है गुरु श्री हर कृष्ण साहब तन धन है धन है गुरु तेग बहादुर साहब धन धन है धन है गुरु गोबिंद सिंह साहब धन धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन है धन है तेरा पंथ खालसा धन है धन है धन है गुरु साध संगत जी धन सत नाम श्री वाहिगुरु वो वाहिगुरु बोल करे नंद वाहिगुरु बोल प्यारे तेरा प्यारा लगे जा बोल प्यारे हाँ वाहिगुरु बोल प्यारे हाँ तेरा मिटना लगे जा बोल प्यारे वाहिगुरु धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु वे वाहिगुरु जप वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु 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 बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु सारी संग सर्वते परिवार से जो अज संसार दे विच लेकिन है परमेश्वर की कोई रजा है उहदी रजा है जिहड़ा इह भाणा वरत्या दुनिया दे विच वाहिगुरु कृपा करे सारे संसार विच सुख वरतावे वाहिगुरु कृपा करे सब नूं शांति ते तंदुरुस्तियां बख्श करन आओ भगत कबीर जी ते हरगोबिंद साहिब महाराज दी याद विच समूह संगत ने बड़े प्रेम अते प्यार दे नाल कथा कीर्तन शब्द कवि श्री बारा सरवण कीतियां ने लाहे खटे ने इया खार चरोड़ लाहा आगे भाषण सहेलिया खटके की जाना ला खटके घरां नूं चलिए अगे जाके सुख पावांगे आओ प्यार दे नाल अज पूर्णमाशी दा शुभ दिहाड़ा भावें इत्थे हर महीने भी जिहड़ा लग्या होया ना घर फुकुल फुजे आप इत्थे मनांदे रहे पाठ हुंदा रहा अरदास हुंदी रही है पर अज उह कहिंदे अठ तरीक नूं मगल जा आपां अज खोल दो प्रोग्राम गुरु घर दे विच ते जे इत्थे बंद हो गया सारी दुनिया बंद हो जूगी ते इहदा गुरु दा दरबार है गुरु द्वारे होए कै साहिब
समा लियो। कहिंदे गुरु दे दर ते आओ रब दे घर दी प्राप्ति करो, जे रब दी कृपा होगी ते दुख किथे लगेगा। सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दी औषधि की है वाहिगुरु दा सिमरन। सिमरन कर दो कदे दुखी नहीं होवोगे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, जिन्होंने बाणी सुन ली उते ना दुख है ना रोग है, कोई कष्ट है ना, चिंता है ना फिक्र है, सदा सुखी हो जाएंगे। आओ वाहिगुरु कृपा करे परिवार की चढ़दी कला गुरु बख्श करन, जिन्होंने अपनी किरत नूं सफल किया गुरुद्वारा सिंह शहीदां टक्की साहिब, शहीदां दीआं खुशियां प्राप्त कीतियां ने। आओ हर महीने का समागम पूर्णमाशी दिहाड़ी ते बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जाता है, दूध का दिहाड़ा मिठा साहिब मनाया जाता है। हुण सारे अरदास विच जुड़ो।